तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग। गांव बजाने भेज गया भिखारी, हाजिर हो गए। देखो ये चोर मेरे को लूटने के लिए आया, मैं खुद नंगा हूं एक चड्डी में बेटा, ये चड्डी लूट के चला जा। इसके पास लूटने के लिए कुछ भी नहीं है, काम कर ले, ले लूट ले, आ जा जा स्टोन लेके भाग जा। हाँ वेल डन, चलो इंट्रो मार लेते। सो गाइस कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और गाइस मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नई ब्रांड न्यू सीरीज, और इस सीरीज का नाम है आर्क सर्वाइवल इवोल्व आर्क प्राइमल फियर प्लस आर्क इटर्नल। यस गाइस, प्राइमल फियर प्लस आर्क इटर्नल एक साथ गाइस यहाँ पे आ चुका है। और गाइस यहाँ पे प्राइमल फियर और आर्क इटर्नल शायद से मैंने एक साल पहले एक साथ खेला था, उसके बाद गाइस ये मॉड मैंने वापस से कभी एक साथ में खेला नहीं है। और ये जब खेला था तब हम लोग ने सब्सक्राइबर के साथ खेला था, और अभी गाइस हम लोग सोलो में यहाँ पे प्राइमल फियर और आर्क इटर्नल साथ में खेलने वाले, मजा काफी ज्यादा आएगा। और आज का ये एपिसोड नंबर 1 है प्राइमल फियर प्लस गाइस आर्क इटर्नल का। सो आज का एपिसोड नंबर 1 यहाँ पे शुरू करने से पहले जो नए बंदे होंगे यार, फटाफट से गाइस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको गेमिंग विद एंड और हमारे ब्लॉगिंग चैनल का। सो दोनों चैनल को जरूर से चेकआउट कर लेना गाइस। हमारा सुपर थैंक्स को ऑप्शन जोड़ना गाइस अनलॉक है। अगर आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो लाइक शेयर और डिसलाइक के साइड में जो थैंक्स का बटन है उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग चैनल को सपोर्ट कर सकते हो गाइस। बाकी अगर आपको आर्क पीसी, आर्क मोबाइल या किसी भी मोबाइल या पीसी गेम के सर्वर बनाने तो नीचे निट्राडो का लिंक है जिसके ऊपर क्लिक करके आप लोग किसी भी मोबाइल या पीसी गेम के सर्वर आसानी से बना सकते हो। तो जरूर चेकआउट कर लेना गाइस निट्राडो सर्वर को, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। सो चले गाइस आज का एपिसोड नंबर 1 प्राइमल फियर एंड आर्क इटर्नल का शुरू करते। और गाइस ये मशॉप देखना, कितने ज्यादा बड़े वाले मशॉप है। मैं तो पहले भाई इन मशॉप्स को टेम करना चाहूंगा यहाँ पे। पहले ना मैं खुद के लिए यहाँ पे कुछ टूल्स और कुछ कपड़े थे शपड़े बना लूँ, ठीक है। मैं एफएम के वाले कपड़े अपने ले गए यहाँ पे बना के पहन लेता हूँ, एंड थोड़े से टूल्स भी जो है ना गाइस वो बना के पहले मैं भाई एक स्पाई ग्लास खुद के लिए बना लेता हूँ, ठीक है। और ऊपर नहीं भाई, लेकिन इसका टॉर्पोर कितना है वो पता नहीं चलेगा ना हम लोग को। यार ये क्या बूम 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 चल रहा है भाई ये ब्रोंटोसोरस का, भाई कितना ज्यादा लाउड आवाज कर रहा है यार ये ब्रोंटो। चलो कोई ना, मैं फटाफट से अपने लिए टूल बना के ऊपर जाता हूँ, एंड ऊपर से थोड़े से क्रिस्टल निकाल के जो ना गाइस मैं लेके आ जाता हूँ गाइस, ठीक है। ओके, और कुछ तो नहीं बनाना है, बस इतना ही सामान बनाना था, ठीक है। चलो आ जाओ, अभी फटाफट से थोड़े से पोशन बना लूँ क्या हीलिंग वाले, जरूरत पड़ सकते तो थोड़े हीलिंग पोशन भी मैंने बना लिए हैं, क्योंकि जरूरत पड़ सकती है गाइस हम लोग को। ऊपर जाते वक्त ना हम लोग को यहाँ पे भाई सेबर तूथ पप्पी देने के लिए आएंगे, तो उनसे बचने के लिए मुझे जरूरत पड़ सकती है। भाई कितने बड़े बड़े पैरेट्स भी है यहाँ पे। वैसे पैरेट भाई वैसे अटैक तो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी कुछ बोल नहीं सकते। चलो मैं बराबर से ऊपर चलता हूँ। यहाँ पे वाइकिंग बे पे कोई भी खतरा मुझे नजर नहीं आ रहा है, जो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग आराम से जाएंगे। लो भाई खतरे का नाम लिया बेस की आग, मेरे पीछे रिक्स बढ़ गया भाई, ठीक है भाई रिक्स आ गया, रिक्स। कोई ना, चलो रिक्स को मैंने चकमा तो दे दिया, क्योंकि रिक्स भाई काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है और उसको मुड़ने में 4 जन्म लग जाते हैं। सो हम लोग इजीली भाई रिक्स को चकमा दे के यहाँ पे ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे भी रिक्स है यार, थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा, कहीं पे भाई पेटी ना बना डाले। अल्फा वाला है ये भाई, इससे बच गया, अल्फा वालों से बच गया भाई यहाँ पे। मेरे पास पैराशूट नहीं, तो हल्लू हल्लू करके उतरना पड़ेगा मुझे नीचे, ठीक है। हल्लू से रिक्स आ रहा है पीछे, मेरे को आवाज़ आ रही है उसके पैरों की आवाज़ आ रही है भाई, मेरे को उसके पैरों की आवाज़ आ रही है। चल निकल जा, कल बेटा आना कल, ठीक है। चल जा 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 बड़ा जी कल। अरे कल क्या, मुझे भी तो नीचे ही जाना है। अबे यार उसके मुंह में नहीं कूदना, चिल्लाना साढ़ तुम तो वो करके पहले चिल्लाते हो ना। बगो बेस क्या मारी ना भाई, मारी चुकेगा नहीं, आजा पीछा कर ले भाई। मेरे पास पैराशूट भी नहीं है, वेट अ मिनट, मुझे क्यों बच रहा है। शिट, यहाँ पे कुछ तो है, पीछे कुछ तो है, पीछे शायद से बॉस है गाइस एक। यस, वो इफेक्ट देख रहा हो गाइस, वो चमकने वाली रिंग ब्लू कलर की, वहां पे कोई तो बॉस है गाइस, जो डायनोस को इफेक्ट दे रहा है कोई तो ब्लू ब्लू कलर का। भाई वहां पे भी फिलहाल के लिए तो जाना नहीं चाहूंगा मैं। पहले तो गाइस मैं अपने लिए एक स्पाई ग्लास बना लूं, ताकि मैं देख सकूं कौन से डायनो का कितना टॉर्पर है, क्या सीन है, वो सब कुछ देख सकूं भाई। टॉक्सिक वाला डोडो है भाई, ठीक है। मुझे ना भाई थोड़ा सा भाई वो चाहिए होगा यार, यहाँ पे भाई मार ले भाई,
चोरों की भाई कमी है क्या भाई हमारे यहाँ पे? अब बसानी चोर हाजिर भाई, संभल के चोरों से थोड़ा बच के भाई, चोरों से थोड़ा बच के। रुको पैरासोरस को फेल के मुझे भाई हाइट लेना पड़ेगा, तभी जाके एक स्पाई ग्लास बनेगा। हाँ भाई यार ये चोर कुछ भाई इंपॉर्टेंट चीज लाइक क्रिस्टल विस्टल ना चुरा ले यार, चोर बंची पीछे पड़ गया भाई एक दो। रुको मैं इससे हाइट निकाल लेता हूँ फटाफट से, एंड यहाँ से जो ना कि हम लोग ऊपर चलते भाई, ठीक है? हाँ भाई यार ये चोर पीछा नहीं छोड़ेगा क्या, मेरे ऊपर ही मंडरा रहा है गाइस गिद की तरह। कुछ स्पाई ग्लास बना लूँ मैं, ये बन गई गाइस स्पाई ग्लास। अब भी हम लोग जो है ना गाइस यहाँ पे डायनोस का टॉर्पोर बिरपोर सब देख सकते। पहले तो मैं बनी को टेम करूंगा। हेलो बनी सर 3000 ना? हाँ भाई यार तेरे को और कोई काम नहीं है क्या भाई? यार ये उंगली कर रहा है भाई, इसने अभी तक एक भी बार मारा नहीं वैसे मेरे को, बट आ रहा है भाई पीछे पीछे। मैं भाई बहुत ज़्यादा दूर चला जाता हूँ ताकि वो मेरा पीछा जो ना गाइस वो छोड़ दे और मैं अपने इक्विपमेंट वापस बना सकूँ। उई टीक वाला रुको, इसको मार डाला ना तो लाइफ जिंगा ला लगा इस, ठीक है? इसको मार डाला ना तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक बिलेक्ट्रॉनिक सारी चीज़ें मिल जाएगी। ये पैरेंट्स अच्छे हैं भाई, पैरेंट्स हमको मार नहीं रहे भाई, अच्छी बात है। रुको मैं इसको पेल देता हूँ, इससे मुझे इलेक्ट्रॉनिक और बाकी की जो चीज़ें ना गाइस वो ईजिली मिल जाएगी यहाँ पे। अबे डिलोफोसोरस के बच्चे भगना, अबे डिलोफोसोरस पीछे पड़ चुका है गाइस मेरे को मारने के लिए। चलो गाइस पैरासोरस का तो गेम बच गया भाई, ठीक है? और हम लोग को थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक जो है गाइस और ऑयल और एलिमेंट डस्ट यहाँ पे मिल चुका है। अभी फटाफट से सबसे पहले मैं क्या करता हूँ पता है, एक प्राइमल वाला स्पेयर जो है ना गाइस वो बना लेता हूँ। स्पेयर यारा प्राइमल वाले स्पेयर दो तीन बढ़ा ले, और इसके साथ एक और चीज़ कर ले, एक बोला होता है काफ़ी खतरनाक वाला, आर्किडनल बोला उसको बोलते हैं, आर्किडनल बोला। उसके लिए मेरे को 50 नारको बेरी चाहिए होंगी, वो सबसे ज़्यादा टॉर्पोर दे सकता है भाई अभी फिलहाल के लिए तो यहाँ पे। तो उसकी मदद से, ओ वहाँ पे एक भाई जगबग भी है, बट उसको मैं टेम नहीं कर सकता। ये क्या देगा मुझे? प्राइम ब्लड देगा, ये ब्लड की तो अभी ज़रूरत नहीं है वैसे फिलहाल के लिए मुझे, ठीक है? वरना मैं जाके उसको टेम कर लेता, बट जरूरत नहीं है अभी। रुको मैं बोला जो ना गाइस आर्क इटर्नल वाला बना लेता हूँ। दोनों मोड कंबाइन करने से हमारा ये फायदा हो गया है कि हम लोग दोनों के दोनों जो मोड के भाई टॉर्पोर देने वाले चीज़ें ना गाइस वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? अभी ये बोला से सबसे पहले तो बनी को टेम करूँगा। हेलो प्यारे प्यारे से बनी, अभी तूने वो कलरफुल बनी कहाँ गया? चलो इसी से काम चला लेता हूँ मैं, ठीक है? ये सीधा बेहोश भाई, ठीक है? इसको टेम करने के लिए मुझे मेजोबेरी डालनी पड़ेगी इसके अंदर, मैं इसके अंदर मेजोबेरी डाल देता हूँ, ठीक है? उसके बाद गाइस मुझे टेबल पर डाल देना है, ये ले टेबल पर। गाइस अपने पास अपना फर्स्ट पेड़ जो है ना चुटकू सा वो आने वाला है अभी यहाँ पे। वो मैं सोच रहा हूँ गाइस कि मैं ना ये जो मशॉप से 300 के चढ़ा पाऊंगा क्या 300 के टॉर्पोर गाइस? मैं पहले छोटे हाई लो लेवल के मशॉप को पकड़ने की कोशिश करता हूँ गाइस, ठीक है? और रिमूव बोला तो भाई बेहोश है क्या? बोला था इसलिए बेहोश है अभी तो, खेले उठ जा आ जा कंधे पे, लेट्स गो गाइस। मेरा फर्स्ट जो है ना गाइस चड्डी मेरा बड्डे, देखो गाइस मेरा प्यारा प्यारा से बनी जो है ना गाइस वो मेरे पास आ चुका है। अभी हम लोग क्या करते पता है, मैं फटफट करके ना यहाँ पे इसको तो मैं शायद से ना पकड़ पाऊंगा, बट मैं इसको जरूर पकड़ पाऊंगा। ये वाला देख रहे हो, इसको मैं बोला मार देता हूँ। अबे यार तेरे को भी मार खाना, अच्छा तेरे को भी बोला चाहिए, ये ले बेटा, ये ले 10,000 ना भाई 22 सेकंड तक, ठीक है? मैं इससे भी इसको टॉर्पोर देता हूँ जो अपना भाई प्राइमल फियर वाला भाई क्या बोलते हैं उसको भाला है, उससे भी इसको टॉर्पोर देने का कोशिश करता हूँ, ठीक है? देखते चलो क्या होता है, कितना 9 सेकंड बचा। अभी भागना चालू कर देगा या तो मेरे ऊपर अटैक करना चालू कर देगा। मैंने 50,000 इसका जो है ना गाइस टॉर्पोर टोटल चढ़ा दिया है, ठीक है? मार, अरे भाई मेरा बनी भी मार दिया साले ने, मेरा बनी भी मार दिया भाई, मेरे बनी को भी भगवान के पास पहुंचा दिया भाई। यार कैसे भाई, एक पटके में उड़ा डाला यार भाई मेरा चड्डी मेरा बड्डी भाई। अभी अभी तो ताजा टेम करा था भाई, फिर तू गया भाई, मैं तेरे को तो अभी टेम करके रहूंगा। मेरे बनी को कहा गया भाई इसकी आग एक पटके में, मुझे लगा भाई ये प्यासे होते अटैक नहीं करेंगे भाई, अटैक नहीं करेंगे क्या भाई? मेरे बनी को कहा गया तेरी बे इसकी आग, इधर आ इधर आ इधर आ, ये ले रुक जा भाई तू मरा भाई तू मरा, भले मेरे को 10-12 बार मरना पड़े बट तेरे को तो भाई मैं बेहोश करके रहूंगा, तू तो मेरा भी गुलाम बन के रहेगा बेटा, तू तो मेरा गुलाम बन के रहेगा। रुक रुक जा बेटा रुक जा, 90,000 अरे यार
ये भाई टूटे टूटे जा रहे भाई। 1 लाख चढ़ा दिया मैंने गैजिस का टॉर पर, ठीक है, मैंने 1 लाख टॉर पर चढ़ा दिया इसका भाई, 1,16,000। अभी ये भग सकता है गाइस, ये मेरे ऊपर अटैक नहीं करेगा, ये अभी भगेगा क्योंकि इसका काफी ज्यादा टॉर पर मैंने चढ़ा दिया है ना, तो ये भगेगा भाई, ये भगेगा भाई। मार रहा है, नहीं मार रहा, नहीं मार रहा, रुकना, रुक रुक, ये उधर मत जा। अबे उधर वो है रिपर, अबे रिपर है उधर, बेस क्या तू मरेगा बेटा, तू मरेगा और मेरे को भी मरवा देगा, इतनी मेहनत मेरी पानी में चली जाएगी। अबे उधर रिपर है मेरी जान भाई, रिपर है वहां पे, ब्लू इफेक्ट काले रिप, हम तो मरेंगे सनम साथ में, तुमको भी ले मरेंगे, मुझे लगाए था क्योंकि ये ब्लू इफेक्ट खाली रिपर ही दे सकती है और कोई नहीं। अभी क्या करूं, हाँ इतनी मेहनत करी मैंने, वहां पे जाके शांत हो गया, बताओ बताओ बेस क्या कैसा चुम होगा, ये वहां पे जाके शांत हो गया बेस की आंख। और मैं शॉप नहीं है क्या कोई, वो मैं शॉप तो अपन को मिलने नहीं वाला, ये वाला है भाई इसका, अरे ये वाला एक और है भाई, इसका 60,000 ही है भाई, इसको टेम कर लेता हूँ, 60,000 तो मैं तुरंत ही दे दूंगा गाइस, आप 60,000 है ना, 60,000 तो दे दूंगा मैं तुरंत ही, रुको तू भी भगना नहीं बेटा, लेकिन तू भी भगना नहीं, रुक जा भाई, 60,000 है ना, मैं तो तुरंत ही दे दूंगा 60,000 को, ये ले भाई, ये ले भाई, ये ले भाई यार। अरे आखिरी स्पेयर भी टूट गया भाई, भाई आखिरी वाला स्पेयर जो था वो भी टूट गया भाई, रुको 5 और स्पेयर बना लिए मैंने, बट शायद से टाइम हो चुका है बहुत ज़्यादा, ठीक है रुको। अबे यार अगर मारता तो हो जाता यार, रुको रुको रुको, 3, अबे स्पेयर से मारता तो बेहोश हो जाता भाई, ये हो गया, हो गया, लेट्स गो गाइस, इसको मुझे एक सिंपल किबल खिलाना है भाई, ठीक है, और मैं अपने लिए एक बनी भी पकड़ लूँगा भाई वापस से, मेरे को मेरा बनी वापस चाहिए भाई, मेरे को बता नहीं, मेरे को बनी वापस चाहिए, थोड़ा सा बनी का आवाज़ आ रहा है यहीं पे कहीं पे, बनी का आवाज़ तो आ रहा है आजू बाजू कहीं पे, तो बनी है ठीक है, वो रहा सामने की तरफ, रुको मैं उसको भी पकड़ के लेके आता हूँ, पहले मैं थोड़ा सा मेटल इकट्ठा कर लूँ, ठीक है। अपने पास गए एक भाई बड़ा सा डायनो आ चुका है जो कि हमारा मशॉप है, पैरा पैरा सा, ठीक है, ये मशॉप जो है इसको पहले यहाँ पे चेम कर लेता, अभी नंगा पुंगा घूम रहा हूँ क्या भाई, रुक जाऊँ भाई, पुराने वाले भाई मशॉप ने मेरा भाई वस्त्रारण कर दिया था, रुको किधर है, किधर है भाई, अभी बनी कहाँ पे, बनी की आवाज़ तो आ रही थी अभी, नहीं ये बनी नहीं है, तू पीछे पीछे आ जा, मैं बनी को ढूंढता हूँ पहले, यार वेर इज माई बनी, मेरा बनी कहाँ पे गया भाई, मैं शॉप के ऊपर मैं बैठ सकता हूँ क्योंकि एल्डर वर्जन है गाइस, और ये रहा बनी, ये रहा भाई, एक पैरट भी है यहाँ पे, मैं पैरट को भी पकड़ लूँ क्या, मैं पैरट को भी पकड़ता हूँ, और इसका कलर भी काफ़ी कूल लग रहा है मेरे को तो, इसका कलर भी कूल है वो पैरट भाई, पैरट पैरट पैसिव डे में रेयर फ्लावर ही खाएगा खाली, ठीक है, मतलब उसके नीचे उतरने का इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है, तब तक मैं फिर इसको टेम कर लेता हूँ, ठीक है, उसके नीचे उतरने का इंतजार करने से अच्छा मैं इसको टेम कर लूँ, और रेयर फ्लावर भी मैं बना लेता हूँ, तो जा भाई ये बोला जो है वो रिमूव कर ले भाई, होल्ड टू रिमूव बोला भाई, ठीक है, मैंने भाई इसका बोला रिमूव कर दिया, अभी अल्लू अल्लू करके टेम हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का है, ठीक है, और मैं इंतजार कर रहा हूँ कि जो भाई पैरा सा पैरट है ना वो नीचे गए यहाँ पर बैठ जाए, ओके, कॉस्टिक पैरट है, अबे तू नहीं रे, कॉस्टिक नहीं भाई, वो चुटकू का गया, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, ओ भाई नीचे बैठ रहा है, नीचे बैठ रहा है, नीचे बैठ रहा है, नीचे बैठ रहा है, नीचे आ चुका है, नीचे आ चुका है, नीचे आ चुका है, जंप मार, अरे यार भाई इसको नीचे आने दो, पट्टे से भाई इसको टेम कर लूँगा मैं भाई, नीचे आने दो, अपने पास एक पैरेट, एक बचाव और एक बड़ी आ जाएगा एपिसोड नंबर 1 पे ही, अरे कहाँ पे गया, अबे वो क्यूट सा कहाँ पे चला गया पैरेट, ये नहीं रहा, ओ बनी बनी टेम हो चुका है गाइस, रुको पहले तो बनी को मैं कंधे पे उठा लूँ, गाइस अपना छोटू सा बनी जो है ना गाइस वापस आ चुका है, ठीक है, अभी मुझे ये पैरेट चाहिए, ज़्यादा आगे नहीं जाने क्योंकि वहाँ पे रीपर है, अगर उसके रेंज में गया मैं तो मेरी बैंड बजा देगी, उसके रेंज में नहीं जाना है, थोड़ा संभल के रहना है, थोड़ा संभल के रहना है, अबे यार ये पैरेट कहाँ जा रहा, लेके भाई नीचे उतरना भाई, हाँ नीचे उतर रहा है, नीचे उतर रहा है, नीचे उतर रहा है बेटा, अबे खा ले, अरे नहीं उतर रहा है, नहीं उतर रहा है, नीचे कहाँ गया, वो रहा भाई, भाई आ आ ले ले, ये लेट्स गो बॉयज, मेरे पास एक पैरेट भी आ चुका है, बट इसके लिए ना मुझे भाई सोल, हाँ सोल बॉल बनाने पड़ेंगे थोड़े से, रुको इसको ग्रैब करके मैं ना ऊपर लेके जाता हूँ, मैं पहाड़ी के ऊपर ही गाइस घर बनाऊंगा, जहाँ पे हम लोग हमेशा घर बनाते हैं, ठीक है,
वो पानी के पास, वो एरिया एक्चुअली में भाई काफी सेफ है, क्योंकि वहां पे किसी का भी आना ना उतना ज्यादा आसान नहीं है। वो ये भाई हम लोग को बेरी बेरी इकट्ठा करके दे सकता है काफी ज्यादा मात्रा में। ठीक है चलो अच्छी बात है। डैमेज, ओ 1000 डैमेज भी है भाई इसका। वो पैरासोरस गायब हो गया जिसको मैंने जादू की चप्पी दी थी। ये ले ये ले ये ले, केरेटिन मिल जाएगा गाइस मेरे को, केरेटिन मिल जाएगा। और मैं अगर इसकी लेवल अप करूंगा तो और भी तगड़ा वाला डैमेज जाएगा भाई। हेल्थ तो काफी तगड़ी जा रही है इसकी, हेल्थ तो काफी तगड़ी जा रही है। रुको रुको गाइस, मैं इसका डैमेज भी बढ़ा देता हूँ। देखता हूँ गाइस कि इसका डैमेज जो रहा है वो कितना जा रहा है यहाँ पे। ओके ये ले भाई, ले बेटा पट्टे से बेटी। 33,000 का डैमेज गाइस हमारे एल्डर वाले मशॉप ने यहाँ पे दिया है। चलो अच्छी बात है, इसकी मदद से हम लोग जो ना गाइस यहाँ पे अभी छोटे छोटे से खतरों से तो बच सकते हैं। ठीक है, मारे डोडो को मार, पेल डाल, नाइस वन, जी जी, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अबे यार यहाँ पे पैरट्स, मैं पैरट्स को मार सकता हूँ यार, मैं पैरट्स को, आई कैन किल दिस पैरट्स, आई कैन किल दिस पैरट्स ब्रो। मेरे पास मशॉप है भाई, 33,000 डैमेज है भाई। पैरट्स भाई नॉट इंटरेस्टेड है क्या भाई? एक पटके में उड़ा सकता हूँ मैं इन पैरट्स को, सच में भाई वन शॉट उड़ा सकता हूँ। मेरे को इन पैरट्स को मारना है, मेरे को इन पैरट्स को मारना है। अबे आना, हाँ अबे यार नहीं भाई, नहीं मार पाऊंगा। मेरा अटैक जो ना जो काफी ज्यादा नीचे है, अगर ये लोग जमीन पे बैठते हैं, अरे ये बैठा था ना यार, अगर ये जमीन पे बैठते तभी मैं कुछ कर पाऊंगा, वरना मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी फिलहाल के लिए इनको मारेंगे नहीं हम लोग। अभी जो है ना कि मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं अपना घर जो है ना प्यारा प्यारा सा वो कहाँ पे बनाने वाला हूँ। ठीक है, सो ये जो जगह देख रहे हो आप, ये वाली जगह ऊपर वाली, वहाँ पे मैं अपना घर बनाऊंगा। उधर कैसे क्रीपर एक खतरनाक सी, मैं उससे जो है ना कैसे फिलहाल के लिए पंगे लेने नहीं जा रहा हूँ। जो भी डायनोज मैंने पकड़े वो सारे मर जाएंगे वरना एक फटके में, प्लस उसके मिनियन पीछा कर करके घर तक आ जाते हैं, सो पूरा घर भी उड़ा सकते हैं वो लोग। सो इसलिए मेरे को उस रिपर से जो ना काफी ज्यादा दूर रहना है गाइस। ठीक है चलो गाइस, अभी यहाँ पे मैं अपने मशॉप को जो ना गाइस ऊपर लेके चला जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अपने टूल्स को जो ना अपग्रेड करेंगे। ओके फाउंडेशन, रुको मैं ना एक छोटी सी फाउंडेशन कुप्चे में लगाऊंगा यहाँ पे। अनफॉलो कर ले भाई, हाँ अनफॉलो ही है। उसके बाद इसके ऊपर लगा दूंगा गाइस मैं अपग्रेड स्टेशन। ठीक है, आई नीड मेटल फॉर अपग्रेड, व्हाट द हेल इज इटर्नल पिकअप रिलिक, ये क्या है, ये चीज क्या है? रिमोट यूज टू योर डायनो इन्वेंटरी टू टॉगल पिकअप ऑप्शन, व्हाट? सच में मैं बड़े से मशॉप को पिकअप कर सकता हूँ क्या? व्यू आर वेस्टिंग, रुको इटर्नल पिकअप रेलिक, हाँ रुको मैं इसको पिकअप कर सकता हूँ क्या? ना 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 ना, रुको रुको, ये अपने कंधे पे ना इसको पहले डाल दे। ओ भाई भाई, बड़े उतरे बड़े मशॉप को अपने कंधे में पिकअप कर लिया भाई, देख रहे हो जलवा, देख रहे हो तुम्हारे भाई का, वाह बेटे वाह, मजा ही आ गया, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा यार, ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा भाई, थोड़ा सा मतलब वो लग रहा है यार। इसको मैं जमीन पे डाल देता हूँ अभी फिलहाल के लिए भाई। इतना बड़ा वाला जो भाई मशॉप है ना, वो कंधे पे अच्छा नहीं लग रहा, मेरा प्यारा सा बनी जो है ना गाइस वही अच्छा लग रहा है मेरे कंधे पे। सही है चलो भाई, काम कर लेते फिर गाइस हम लोग ना। मैं ना अभी अपने भाई टूल्स को अपग्रेड कर लूंगा। टूल्स को अपग्रेड करने के बाद जो घर भीर बनाने का काम है वो हम लोग अगले एपिसोड में ही कंप्लीट कर लेंगे गाइस। और अगले एपिसोड में मुझे भाई वो भी बनाना पड़ेगा अपना ग्रीन हाउस, बिन हाउस, सारी चीज़ें बनानी पड़ेगी गाइस। ठीक है मेरे को, तो वो सब कुछ मैं सोच रहा हूँ कि मैं डायरेक्टली अगले एपिसोड में बना लूँ। आज गाइस पहली बार ऐसे भाई जीरो देना, नहीं जीरो देत तो नहीं हुई, हमारी शुरुआत तो हुई लेकिन एक ही बार मरा हूँ मैं प्राइमल फियर और इटर्नल में। इस बार जहाँ पे मैं स्पॉन हुआ हूँ वहाँ पे ज़्यादा खतरा जो है ना गाइस वो है नहीं, सो इसलिए मैं ज़्यादा बार मरा नहीं, और आई एम हैप्पी कि मैं आराम से जो है ना गाइस यहाँ पे अपनी जर्नी कंप्लीट कर पाया। हाँ सामने की तरफ रिपर है, उससे मैंने उंगली नहीं करी, पंगे नहीं लिए, इसलिए मैं अभी तक जिंदा हूँ। अगर पंगे लेता ना तो मेरे सारे डायनोस भी मर जाते हैं। चलो मैं अभी भाई फटाफट से ना अपग्रेड स्टेशन बना लेता हूँ। ठीक है, और ये अपग्रेड स्टेशन जो है ये मैं यहाँ पे लगा दूंगा। ठीक है, अपग्रेड स्टेशन यहाँ पे लगेगा, उसके बाद भाई इसके ऊपर लगेगा कि अपना ब्लू प्रिंट स्टेशन। ठीक है, अब बन जा भाई, ये रहा अपना ब्लू प्रिंट स्टेशन। इसको मैं बाद में रिमूव कर दूंगा जब अपने अपग्रेड्स हो जाएंगे टूल्स। ओके देन ये टॉर्च भी कर लें, और कुछ अपग्रेड करना है मुझे तो नहीं लग रहा, और कुछ अपग्रेड करना होगा अपन को। ठीक है चलो,
एक एक करके अभी फटाफट से अपने जो सारे टूल्स हैं उनको मैं अपग्रेड कर लेता हूँ। मुझे लग रहा है मुझे थैच की थोड़ी सी कमी पड़ सकती है। यस, मुझे थैच की कमी पड़ रही है। रुको, मैं थोड़ा सा नीचे से थैच लेके आ जाता हूँ। ठीक है, थैच शायद से मेरे मशॉप के अंदर होना चाहिए, क्योंकि वो भी थैच इकट्ठा करता है ना। हाँ, 8000 थैच है भाई इसके अंदर। रुको भाई, मैं थैच और वुड यहाँ पे डाल के अपने टूल्स को अपग्रेड कर लेता हूँ। ठीक है, फटाफट से ये हो गया भाई अपग्रेड। भाई अपनी टॉर्च भाई, ठीक है, ये अपनी टॉर्च जो है गाइस वो यहाँ पे हो गई डायरेक्टली असेंडेड वाली। ठीक है, ये असेंडेड वाली टॉर्च हो गया। अभी मेरे को पिकैक्स को असेंडेड करना है। ये पिकैक्स भी हो गया अपना असेंडेड वाला। अभी एक्स को असेंडेड कर लेना है, जिससे रिसोर्सेज जो ना गाइस काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे। ठीक है, ये हो गया गाइस असेंडेड। अभी मैं फटाफट से इनको ब्लूप्रिंट स्टेशन में डाल देता हूँ, एंड यहाँ पे हम लोग इन लोग का क्रिएट कर लेंगे ब्लूप्रिंट। ठीक है, एंड यहाँ पे इनको क्राफ्ट कर लेंगे बड़े आसानी से। ओके, सो मुझे अभी बस खाली जो है ना गाइस स्टोन इकट्ठा कर लेना है, क्योंकि थैच और वुड जो है गाइस वो हमारा मशॉप इकट्ठा करके हम लोग को दे रहा है। बस मुझे अभी स्टोन इकट्ठा करना है, उसके बाद गाइस हमारा घर जो है ना गाइस वो यहाँ पे बनाने का काम मैं अगले एपिसोड से यहाँ पे चालू कर दूंगा। सो गाइस आज का ये वाला जो हमारा एपिसोड है गाइस आर्क सर्वाइवल इवोल्व का प्राइमर पियर एड गाइस आर्क इटर्नल का, वो हम लोग गाइस यहीं पे खत्म कर लेते हैं। मिलते सीधा गाइस सबसे अगले एपिसोड में। आज गाइस हम लोग ने 3 गाइस यहाँ पे 2 क्यूट से डायनो और एक मोटू सा बड़ा सा मशॉप टीम करा है। उसके लिए गाइस एक लाइक जो है ना गाइस वो तो बनता है। बाकी अगर आज का एपिसोड नंबर 1 आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना गाइस। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय गाइस, सी यू लेटर।